पहले आपने कंप्यूटर में फोटोशॉप को ओपन कर ले। आज मैं बहुत कुछ सारे चीज़ सिखा दूंगा एक साथ ही, ये एक ट्यूटोरियल जैसा ही है, ठीक है। मेन चीज़ है मैं कैसे सर्टिफिकेट को फिल अप करना है, ऐसे ये वाला फाइल उससे ओपन कर लेना है। कोने में जाकर फाइल, मैं एक साइन ले लूँगा, ठीक है, एक साइन को ले लूँगा, ठीक है। इससे मैं बहुत कुछ सारे चीज़ ये दिखा दिया कैसे ओपन करना है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में क्रॉप का बटन सिलेक्ट हुआ है, अभी मैं क्रॉप कर लिया, जैसे मोबाइल में भी करते हो क्रॉप, वो है क्रॉप बटन, ठीक है, जो साइड में है। यहाँ पर मैजिक वांड टूल है, तो क्रॉप द इमेज ये अप्लाइड हो गया है, ठीक है, ऐसे हो गया क्रॉप जो मोबाइल से आप करते हो। तो मैजिक वांड टूल तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर ऊपर से ओके ओके कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके फिर ओके सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन मतलब लेयर के लिए, सब्ट्रैक्शन मतलब वियोग है, मतलब कुछ को काट कर देना। मैं सब्ट्रैक्शन फॉर सिलेक्शन करके पीछे का जो लेयर है और सामने का जो लिखा हुआ है उसको डिफरेंस करूँगा। तो यहाँ पर पहले ये जो सर्कल है लेफ्ट साइड से, वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये पहले रेक्टेंगल बात था, वो क्रॉप के अंदर भी एक फिर से क्रॉप है, ठीक है। उसको यूज़ करने के बाद मैजिक वांड टूल में जाइए, उसके बाद ऊपर में देखिए एक सब्ट्रैक्शन है, या राइट क्लिक करके उसके अंदर राइट क्लिक करके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, वो जो सर्कल था वो सिलेक्शन वाला था, ठीक है, सिलेक्शन हो गया। फिर पर अभी जो मिडिल का पोर्शंस है उसको भी सिलेक्ट करता हूँ, अभी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके कर रहा हूँ। पहले सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर दिया, उसके बाद वो जो मिडिल का व्हाइट पोर्शंस है उसको मैं जस्ट लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करके 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 उसको मैं डिफरेंस कर दूंगा। अभी एक नया लेयर बनाने के लिए है CTRL शिफ्ट एंड J, ठीक है, ये देखिए एक नया सा लेयर बन गया है नीचे, उसको मैं नॉट व्यू कर देता हूँ, वो आई वाला बटन को बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी फिर एक नया फाइल को ओपन कर लूँगा, कर लिया, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है। तो यहाँ से मूव टूल है, देखिए सर्कल के बाद में लेफ्ट साइड में मूव टूल था, मूव टूल, अगर गलत टाइम पे बोल रहा हूँ तो समझ लेना। तो वो खींच कर मूव टूल को क्लिक करके वो साइन को खींच कर इसमें ले आना है, ठीक है, या आप जो लेयर्स है लेयर से भी खींच कर ले आ सकते हो। अभी मैं फिर क्रॉप में गया, जो मैंने पहले दिखाया हूँ, क्रॉप में जाकर इसको साइज छोटा बड़ा कर लिया, ओके। जैसे आप मोबाइल में लिखते हो, लिखने के बाद उसमें काम कर लेना पड़ता है, नहीं तो फिक्स हो जाता है, ये भी सेम है, अगर आप इसमें काम कंप्लीट नहीं करोगे तो वो ही फिक्स रह जाएगा, ठीक है, आप बाद में कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये सिलेक्ट करके मैं बिठा दिया यहाँ पर, ओके। अभी कैसे सेव करना है वो भी दिखा दूँगा। बहुत सारी चीज़ हो गया, अप्लाई हो गया, ठीक है। एक है कैसे न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है, कैसे डबल इमेज को ओपन करना है, इस ऐसे ही प्रोसेस में आप यहाँ पर देखिए फाइल नेम PST है, अगर PST रखोगे तो सिर्फ फोटोशॉप में खुलेगा, अगर आप JPG या एक्सेट्रा कुछ करोगे तो दूसरे में खुलेगा। यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर PDF कर लेना है, अपडेटेड वर्जन में JPG एक्सेट्रा भी है, PDF वर्जन कर लेना है। PDF के अंदर जिप फाइल और JPG रहता है, आपके आप सेव करने के बाद बता दूंगा, PDF होगा तो चलेगा, पर PST सिर्फ फोटोशॉप के लिए, आप बाद में काम कर सकते हो PST से। यहाँ पर देखिए JPG जिप एंड JPG, आप बाद में काम कर सकते हो, पर PST से और कोई फाइल नहीं खुलेगा फोटोशॉप के द्वारा, या और किसी से नहीं खुलेगा, सिर्फ फोटोशॉप में ही खुलेगा। तो आज बहुत कुछ सीख लिया कैसे न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और कैसे दो दो फाइल एक साथ ओपन करना है, कैसे एक सिग्नेचर को क्रॉप करके एक मूव क्रॉप
करके लाना है, कैसे क्रॉप करता है, कैसे मैजिक वांड टूल को यूज़ करता है, ठीक है। ये सिग्नेचर हो गया। और कुछ बताता हूँ, मूव टूल को कैसे यूज़ करना है वो भी आपने सीख लिया है, और उसके बाद जो है कैसे सेव करना है वो भी आपने सीख लिया है, ठीक है। वो हर टूल का यूज़ ऐसे ही होता है। तो वो सब टूल जो मैंने यूज़ किया उसका आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।